नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखने हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र, इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते समाज का एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जिस विषय पर आपके सामने हैं हम लोग, वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन और उससे जुड़े हुए क्या कानूनी प्रावधान है। इसके अलावा अगर कोई और भी कोई कानूनी समस्या आपके सामने है तो आप सीधा हम तक जुड़ सकते हैं और बेहतर सहायता इस मामले में आप हमसे कह सकते हैं। और प्रिवेंटिव डिटेंशन पर बेहतर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीपक श्रीवास्तव सर, जो कि पूर्व जिला जज हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जब लोग प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं तो पहले समझना चाहूँगा प्रिवेंटिव डिटेंशन होती क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। बेसिकली जो डिटेंशन है हमारे कानून में दो तरीके का है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, एक प्यूनिटिव डिटेंशन होता है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 22 में डिटेंशन के संबंध में बताया गया है, जहां आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन भी आता है। और प्यूनिटिव डिटेंशन दो पार्ट में है आर्टिकल 22 हमारा, जो पहला पार्ट ये बताता है कि अगर किसी आदमी को डिटेन किए जाते हैं तो उसके क्या राइट्स होते हैं। जी, जिनको आप राइट ऑफ एक्यूज भी कह सकते हैं। जी, वही राइट ऑफ एक्यूज, बिकॉज जो प्यूनिटिव डिटेंशन है वो ऐसे मामलों में किया जाता है जब किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए या गलत कार्य के लिए गिरफ्तार किया जाता है, जिसके लिए उसका ट्रायल किया जाता है, और ट्रायल करने के साथ उसको दंडित किया जाता है और तब उसको अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। जी, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट है कि एक आपने पूछा जो कि साहब प्रिवेंटिव डिटेंशन, व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसा टिपिकल लॉ है कि जहां किसी व्यक्ति को शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है जबकि उसके द्वारा उस वक्त तक कोई गलत काम नहीं किया गया होता है। जी, लेकिन अगर ये शंका होती है और ये सस्पिशन होता है कि ही कैन डू समथिंग रॉन्ग विच सर्टेन प्रोविजंस आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो कुछ कंडीशंस हैं हमारे, अगर उनके प्रति ये संभावना प्रतीत होती है कि आदमी गलत काम कर सकता है, तो उसके लिए उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है, डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, जो आपने कहा कि शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, तो क्या मानवीय अधिकारों का हनन के रूप में इसको नहीं देखा जाएगा? नहीं, मानवीय अधिकारों के हनन के रूप में इसको इसलिए नहीं देखा जाता है क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बात तो आर्टिकल 22 के अंदर दिया गया है। जी, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लीगल केसेस भी हैं। और आपको थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में भी बता दूं कि बिल्कुल कि क्यों प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है और दुनिया के किसी और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिवेंटिव डिटेंशन का कहीं प्रोविज़न नहीं है। जी, हमारे इंडिया में प्रिवेंटिव डिटेंशन बेसिकली पीस टाइम में भी लागू होता है, जबकि ऑल अदर कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, अमेरिका है, चाहे ब्रिटेन है या ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, वहाँ पे जब कोई इमरजेंट सिचुएशन होती है, इमरजेंसी होती है, तब ये लागू होता है। बट देयर इज़ ए डिफरेंस, अगर उनके यहाँ इमरजेंसी लागू होती है तो आपके सारे राइट खत्म हो जाते हैं। जी, बट हमारे यहाँ फिर भी आदमी को सेफ गार्ड प्रोवाइडेड है, ग्राउंड्स भी प्रोवाइडेड हैं कि किन किन ग्राउंड्स में आप अरेस्ट कर सकते हैं। जी, अब यहाँ पे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22, आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी की जिसकी आपने बात की, क्या ये उसको खत्म नहीं करता है? जी, नहीं, उसे खत्म इसलिए नहीं करता है कि आर्टिकल 21 सबसे पहले इसके ऊपर वे बैक इन 1950 में AK गोपालन का केस हुआ था। जी, AK गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास, उस समय इंडिया में हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट लागू हुआ करता था। जी, तो AK गोपालन को मद्रास स्टेट में लागू एक अन्य कानून के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया। जी, उसने उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया। जब उन्होंने उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया तो हाईकोर्ट ने उसका जो डिटेंशन था वो सेट असाइड कर दिया और उस कानून को ही इलीगल घोषित कर दिया। जी, बट जैसा कि होता है, जब तक वो आदमी जेल से रिलीज होता,
उसके पहले हमारे यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट इंडिया में बन गया और तब उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया जी। उस समय उस आदमी ने फिर यही पॉइंट उठाया कि साहब ये आर्टिकल 21 का वायलेशन करता है और ये नहीं मान, इसको जो है हमको आप इस तरीके का कानून नहीं बना सकते हैं। उस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ लेट डाउन किया था उसमें ये कहा था कि आर्टिकल 21 में कहता है विदाउट ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसको डिस्टिंग्विश किया फ्रॉम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से, और ये कहा कि अगर किसी प्रोसीजर को कानूनी तरीके से जिस तरह से प्राविधानित है बनाया गया है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है जी। बट कालांतर में धीरे धीरे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट भी आकर के 1968 में ख़त्म हो गया जी, अन्य एक्ट आ गए जी, और इसके बाद एक खड़क सिंह का केस हुआ और लास्ट में आकर के मेनका गांधी और सुनील बत्रा केसेस भी हुए इसके ऊपर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा चेंज किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं जी, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज द राइट थिंग, और अगर आर्टिकल 21 का वायलेशन होता है किसी भी तरीके से तो उस अवस्था में जरूर उसको वहां पे हम आर्टिकल 22 के अंतर्गत प्रिवेंटिव डिटेंशन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो तभी है जबकि जो कंडीशन 22 में दी गई है वो लागू ना होती हो या जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के वो दिए गए वो ना लागू होते तब उसका डिटेंशन इलीगल माना जाता है। ठीक है, लेकिन सर इसके फिर ग्राउंड्स क्या क्या रहते हैं, किस आधार पर प्रिवेंटिव डिटेंशन की जाती है? हाँ, ये देखिए ये जो ग्राउंड्स हैं ये शेड्यूल में दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो बाद में लिस्ट दी गई है सूची में दी गई हैं, तो उसमें आकर के आपको ग्राउंड्स मिलते हैं। सेंटर के लिए अलग ग्राउंड है, स्टेट के लिए अलग ग्राउंड है जी। जो स्टेट के लिए हमारे ग्राउंड दिए हैं जब उसमें नंबर एक है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट हो जी, अगर खतरे में है तो आप इस कानून को वहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन उस व्यक्ति जिसके एक्ट से सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो रहा है वहाँ पे उसे गिरफ्तार किया जा सकता है जी। नंबर दो है कि पब्लिक ऑर्डर, जो समाज में कोई आदमी ऐसा कार्य करता है जिसकी वजह से कि लॉ पब्लिक ऑर्डर डिसऑर्डर हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, तो वहाँ पे भी गिरफ्तार किया जा सकता है जी। तीसरा ये है कि जैसे जो एसेंशियल सप्लाईज टू द सोसाइटीज, एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई है, लोग इसको डिसरप्ट करते हैं या और भी किसी तरीके से करते हैं, तो इन सब के लिए आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा सकता है। चौथा है जहाँ पे आपका आता है वो जो कि सेंटर के उसमें चला जाता है हमारे यहाँ, वो डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स हैं जी, और कंट्री की जो अगर जो देश को अगर खतरा है तो वहाँ पे उसको, यानी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को जिस तरीके से डिफाइन किया गया है वैसे ही कुछ वैसे ही ग्राउंड्स इसके भी रहते हैं जी जी, जिसमें जैसे उन्होंने थोड़े इसमें सेफगार्ड्स भी बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, सेफगार्ड्स जानना चाहूंगा, सेफगार्ड्स के क्या क्या रहते हैं इसमें? सेफगार्ड्स में उन्होंने बेसिकली जैसे ये बताया है कि जब किसी भी आदमी को प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता तो सबसे पहले उसको ये ग्राउंड्स बता दिए जाएं कि आपको किस लिए किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको तुरंत ही सारे ग्राउंड्स कन्वे किए जाने। इसके ऊपर भी बहुत लंबा यह है कि ग्राउंड्स, जैसे मान लीजिए कि हमने किसी आदमी को गिरफ्तार किया और उसको ग्राउंड्स इंग्लिश में लिख के दे दिए जी, बट उसको इंग्लिश नहीं आती है, तो इसका मतलब यह है कि वो ग्राउंड्स उसको नहीं पता है जी, वो नहीं जानता है कि साहब हमें ग्राउंड्स, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं सकता तो ग्राउंड्स जानता भी नहीं है, तो उसको ये जानने के लिए ग्राउंड्स क्या है उसकी लैंग्वेज में आप उसको कम्युनिकेट करें कि साहब ये ग्राउंड्स हैं और ये इसके तहत आपको गिरफ्तार किया गया है जी। दूसरी चीज़ ये है कि उसको ये बताया जाए कि आपको एक राइट है अपना रिप्रेजेंटेशन करने का जी, ये रिप्रेजेंटेशन जब उसको आप ग्राउंड बताते हैं तो उसी ग्राउंड्स के आधार पे ही वो रिप्रेजेंटेशन भी कर सकता है जी। अगर रिप्रेजेंटेशन तभी करेगा जब उसको ग्राउंड्स क्लियर हो कि क्या है हाँ। तो इसीलिए अगर वेग ग्राउंड्स होते हैं तो वो भी नहीं होता है जी। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा के लिए एक बार में आप डिटेन नहीं कर सकते, क्यों? उसमें भी ये है कि 3 महीने से ज़्यादा अगर आपको डिटेन करना है, एक्सटेंड करना है, तो एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश करना होता है। ये एडवाइजरी बोर्ड जो होता है ये सिटिंग हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में बनता है जी, और जो लोग हाईकोर्ट जज की बनने की क्वालिफिकेशन रखते हैं वो उसके मेंबर होते हैं जी, और उनके द्वारा ये देखा जाता है कि भाई ग्राउंड सफिशिएंट हैं या नहीं है डिटेंशन के, तो वो उसको कर सकता है जी। और अगर इसके बावजूद भी वो इज हैप्पी विद द सिचुएशन तो उसके पास हैबियस कॉर्पस के पिटीशन फाइल करने का हमेशा राइट है आर्टिकल 32 में। वही समझ जाना चाहता कि अगर किसी व्यक्ति को शंका के आधार पर डिटेन अगर किया गया है लेकिन वो उसके मुताबिक वो निर्दोष है, उसके दिमाग मतलब जो डिटेंशन हुई है वो गलत हुई है, रॉन्गफुल डिटेंशन ये है, तो फिर उसके पास रेमेडी क्या रहती है? अब देखिए किसी भी जब भी किसी आदमी को शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, अभी मैंने आपसे पहले बोला था कि उसको ग्राउंड्स कन्वे किए जाएंगे जी। उन ग्राउंड्स को भी कन्वे करने में एक ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर
गवर्नमेंट ये सोचती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में हमको ग्राउंड डाइवर्ज नहीं करने जी, तो वो उन ग्राउंड्स को बताने से इनकार भी कर सकते हैं जी। तो वहाँ पे आदमी के सामने ये समस्या आती है। इसी प्रकार से जो एडवाइजरी बोर्ड होता है, जो एडवाइजरी बोर्ड की प्रोसीडिंग्स चलती हैं वो भी सीक्रेट होती हैं जी, वो कहीं खुलती नहीं है। जो एडवाइजरी बोर्ड का ऑर्डर होता है, सिर्फ वो फाइनल ऑर्डर बाहर आता है वही आप जान सकते हैं, तो प्रोसीडिंग्स नहीं पता चल। तो बहुत सी चीजें हैं जो आदमी को नहीं भी पता चलती। सर ये तो फिर बहुत अनडेमोक्रेटिक नहीं है फिर ये पूरा प्रोसीजर? नहीं, अब ये तो चैलेंज किया जा रहा है, इसके ऊपर डिमांड्स हैं, इट नीड टू बी चेंज, आई विल कम टू दैट। अभी आपने मुझसे पूछा कि रिलीफ क्या है, बट वही जो मैंने आपसे कहा, उसके पास रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस में जाने का है, अपने डिटेंशन, अगर इलीगल डिटेंशन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको कहा जाता है, जी जी जी, उसको हमेशा चैलेंज कर सकता है, वो वहाँ पे चैलेंज करने का उसके पास अधिकार होता है। ठीक है सर, डिटेंशन के दौरान जो आपने राइट ऑफ एक्यूज कहा था, तो क्या जो डिटेन पर्सन होता है उसके पास क्या क्या राइट्स रहते हैं डिटेंशन के दौरान? उसके बाद जो मैंने आपको जो सेफगार्ड्स बताए हैं वही उनके पास उपलब्ध हैं, बाकी उनके ये सारे राइट्स जो है उनके ख़त्म हो जाते हैं जी। अब थोड़ा सा आप ने दो बार इस बात को पूछा कि साहब क्या उसके पर्सनल राइट्स नहीं ख़त्म हो जाते हैं जी, ये देखिए बहुत डिबेटेबल प्रश्न है ये। मैं आपको बता दूँ कि जितने भी हमारे देश में ये इंडिया एक अकेला देश है जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसीलिए डाला गया, सेफगार्ड्स भी दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, ग्राउंड्स बता दिए गए जी। बहुत पहले इनका मिसयूज़ भी होता रहा, जैसे सबसे पहले बट ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा था, उन्होंने बंगाल रेगुलेशन एक्ट बनाया जो 1918 में आया वे बैक, और उन्होंने इसका मिसयूज़ करते थे, वो लोगों को ऐसे ही बंद कर देते थे। फिर उसके बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 में बना, ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया जी। इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट भी आया, मीसा जिसे कहा जाता था, मीसा के नाम से जानते हैं जी, जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया इमरजेंसी के दौरान, मतलब लाखों लोगों को, करीब 2.25 लाख लोग डिटेन किए गए मीसा के अंतर्गत ले जा करके उनको बिना, तो उनके जितने भी राइट्स थे उस समय ख़त्म हो गए थे। बट फाइनली धीरे धीरे चलते चलते जब जनता गवर्नमेंट आ रही है, आई एम टेलिंग यू अबाउट द डेवलपमेंट जी, इस चीज़ों को उठाया गया समय समय पे कि साहब बहुत से रीजंस ऐसे हैं कि ये अनडेमोक्रेटिव है, इसको नहीं होना चाहिए जी। ये जितनी भी डिबेट्स होती हैं उसमें बिल्कुल इसको अनडेमोक्रेटिक माना जाता है, और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पीस में कम से कम ये लागू नहीं होता है। लेकिन देर इज़ ए डिफरेंस, इंडिया में हमारे यहाँ अगर टर्बुलेंट टाइम भी है, पीस नहीं है, तो भी आपके कम से कम बिना ग्राउंड्स के आपको बंद नहीं किया जा सकता है। बट फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे भी जब ये लागू होता है, तो विदाउट टेलिंग यू एनी रीजन, विदाउट योर ऑल द राइट्स आर कर्टेल्ड एट दैट पर्टिकुलर पीरियड। आज की तारीख में पहले बहुत से जैसे इंस्टांसेस हुए, किसी ने लड़की को छेड़ दिया तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में बंद कर दिया, किसी ने किसी को झांपड़ मार दिया तो भी प्रिवेंटिव, बट ये सब जब कोर्ट्स में गए मैटर लोगों के, तो कोर्ट्स में सुनवाई में इनको ये हेल्ड किया गया कि नहीं नहीं ये ग्राउंड नहीं है, ये गलत चीज़ है, तो इसमें नहीं होना चाहिए इसको इस तरीके से। ठीक है सर, किसी मामले में अगर चीज़ सामने आती है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज़ अगर किया गया है, तो क्या उसमें फिर जो जिसको डिटेन किया गया है उसके पास कोई कॉम्पनसेशन का राइट रहता है, या फिर जिन जिस अगर गलत ग्राउंड्स पर डिटेन किया गया है तो जिन लोगों ने डिटेन किया है, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई का प्रावधान रहता है इसमें? हाँ, ही कैन ऑलवेज गो टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ही कैन फाइल ए पिटीशन देयर फॉर ऑल दीज थिंग्स इज आई वाज, बिकॉज व्हेन आप हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करते हैं उसमें ये प्रेयर भी कर सकते हैं कि हमको इलीगल डिटेंशन के एवज में सब पैसा दिलाया जाए, ये दिलाया जाए, वो दिलाया जाए, कोई भी चीज़ आएगी तो ही कैन आस्क फॉर द कंपनसेशन, बट देन इट इज़ फॉर द कोर्ट टू डिसाइड कि क्या कंडीशन थी क्या नहीं थी, तो उसके आधार पर वो उसको डिसाइड करते हैं करके। सर क्या सारे केसेस आपने देखे हैं बेहतर तरीके से इस मामले में, क्या कोई कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस रहे हैं जिनके ऊपर कोई आवाज़ उठी हो या फिर कोई केस फाइल किया गया उनके अगेंस्ट में? नहीं, ये तो मैंने आपको तीन केस अभी बताए जो कि हिस्ट्री को नरेट करते हैं, जो कोई एक एक मेनका गांधी का केस जो है, हाँ मेनका गांधी का लास्ट केस था जब इनका डिटेंशन किया गया, जब इनकी अरेस्ट को लेकर के प्रश्न उठा था, तो भी तब सुप्रीम कोर्ट ने जो 1950 में के गोपालन के केस में जो कानून बताया था उससे थोड़ा सा चेंज करके डेविएट करके वो इसके ऊपर आ गए थे कि नहीं, थोड़े से आपके फंडामेंटल राइट्स भी जो आर्टिकल 21 के अंदर या आपको मिलते हैं वो आपके पूरे के पूरे ख़त्म नहीं होते हैं, आपके पास रहते हैं, आपके अपने अधिकार भी सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पहले क्या था कि उन्होंने उसमें कह दिया था, जैसे 50 में ये कह दिया था कि आपको अनलिमिटेड पीरियड के लिए बंद कर देंगे, आपकी सुनवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा,
जो मेनका गांधी केस भी है बेसिकली ये इट इज़ रिलेटेड टू द आर्टिकल 21 राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी से ही ज़्यादा संबंधित है। उसमें उसी को डिफाइन किया गया और ये कहा गया कि नहीं विदाउट आप किसी के रीजनेबल उसके आप उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं वहाँ। लेकिन सर इतनी जो आपने कहा कि कार्रवाई बहुत सीक्रेटिव होती है और ये भी डिस्कशन रहता है कोर्ट का या गवर्नमेंट का कि ग्राउंड्स क्लियर करे कि ना करे, तो इतना जब सीक्रेटिव कार्रवाई होती है तो फिर कैसे संभव है कि जो व्यक्ति है वो फंडामेंटल राइट्स को अपने अवेल कर पाएगा? नहीं देखिए ये तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मान लीजिए पब्लिक ऑर्डर का एक मैंने आपको बताया जी, तो बहुत से क्या है कि देयर इज अ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग पब्लिक ऑर्डर एंड लॉ एंड ऑर्डर, दो अलग अलग पॉइंट है जी। तो हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो लॉ एंड ऑर्डर को भी पब्लिक ऑर्डर के साथ जोड़ देती है, बट ऐसा नहीं है। लॉ पब्लिक ऑर्डर दूसरी चीज़ है, लॉ एंड ऑर्डर एक किसी आदमी का अगर मान लीजिए मर्डर हो जाए तो ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, बट सपोज कीजिए कि अगर एक मर्डर चौराहे पे हो और उससे कम्युनल कोई इशू खड़ा हो जाए तो ये एक पब्लिक ऑर्डर की चीज है मर्डर ही, बट उसकी सीन दूसरा है तो वहां पे दूसरी चीज है, वहां पे आप प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट सामान्य रूप से किसी भी तरीके से, रही बात इसकी कि आप उसको कैसे रिलीफ सीक कर सकते हैं, आपके पास हमेशा ही रिट में जाने का अधिकार होता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आप रिट फाइल कर सकते हैं और वही एक आपके पास ऑप्शन है क्योंकि दूसरी कोई जगह आपकी नहीं है, मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या किसी में जाता नहीं है और जो एडवाइजरी बोर्ड होता है उसकी प्रोसीडिंग्स में आप जो रिप्रेजेंटेशन आपका है वो भी एडवाइजरी बोर्ड को नहीं जाता है, एडवाइजरी बोर्ड सिर्फ आपका डिटेंशन देखता है जी। जो आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपने डिटेंशन के अगेंस्ट जी, वो कंसर्न गवर्नमेंट को ही जाता है। अब ये बहुत ही वंस अगेन यू विल आस्क मी कि सब गवर्नमेंट ने ही उसको बंद किया, उसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन जा रहा है जी। अब दिस इज प्रोसीजर, मतलब आप इस पर क्या कर सकते हैं, ये तो नियम कायदा है, दैट्स वाई रिट ज्यूरिडिक्शन हमारे यहाँ दिया गया है और अनफेटर्ड भी है, हाई कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं उसके अंतर्गत। और शायद सर इसी प्रोसीजर की वजह से अगर कोई लूपहोल रहता है इसलिए उसको अनडेमोक्रेटिक की कैटेगरी में डाला जाता है प्रिवेंटेड डिटेंशन को। स्ट्रेट अवे आई कांट से लाइक दैट इट इज अनडेमोक्रेटिक, बट दिस इज लॉ। हाँ इस बस ये इट इज अननोन टू द डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब यू कैन से कि फॉर द फ्रेटर्निटी इट इज नॉट गुड, इट शुड बी विद मोर रेस्ट्रिक्शंस देयर शुड बी, बिकॉज हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव को इससे अनफेटर्ड राइट्स मिलते हैं और बहुत सी जगह पे वो इसका दुरुपयोग, बिकॉज आज भी NSA लागू होता है, आज भी कोफी पोसा लागू होता है, आज भी मेंटेनेंस एंड सप्लाई ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू होते हैं जिनके अंतर्गत आप किसी को भी डिटेन कर सकते हैं अगर वो उन एक्टिविटीज में सबवर्सिव एक्टिविटीज में जाता है। थोड़ा सा है जरूर, बट ये मैंने जो आपको बताया कि जो इंडियन कंडीशंस हैं हमारी, ये क्यों नहीं इसको हम लोग मानते हैं और क्यों नहीं हटाते हैं, क्योंकि इंडिया कंट्री एक ऐसा मल्टीलिंगुअल मल्टी उस तरीके का कंट्री है जहां अलग अलग लोग हैं और हमारे देश के लोग सबवर्सिव एक्टिविटीज में भी लगे हैं, सो इट इज नीड ऑफ द आवर, इट इज रिक्वायर्ड, इट विल स्टे, इट शुड स्टे, इट इज रिक्वायर्ड, ये और बातें ये जिनको एग्जीक्यूट करना उनको ये देखना चाहिए कि इसका मिस यूज ना करें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हम तक जुड़ने के लिए, बेहतर जानकारी इस बारे में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इंडिया लीगल सर्विस फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को समान रूप से सही वक्त पर बेहतर न्याय मिले। उसके अलावा अगर आपके सामने कोई समस्या आती है तो हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके लिए, हर कौन समस्या में आपकी बेहतर सहायता के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन सिर्फ इतना ही, आगे रुक करेंगे 2 मिनट 20 खबर का।